गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज शुभम और आज हम लोग आ गए हैं मारुति सुजुकी अरेना में ऑल न्यू ऑल्टो K10 का रिव्यू करने के लिए। ये अपने पास VXI प्लस वेरिएंट अवेलेबल है जो कि टॉप मॉडल में आता है एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगे और बाकी रेड कलर में अपने पास यहाँ अवेलेबल है, देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उससे पहले भाई ज्वाइन कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट कर सकते सुपर थैंक्स के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रंट से हम लोग बात करें, फ्रंट में आपको यहाँ पर बड़ी सी हॉनीकॉम डिज़ाइन में ग्रिल देखने के लिए मिल रही होगी, वो काफ़ी मस्त लगती है। नीचे आपको नंबर प्लेट मिल जाएगी, उसके साथ ही ऊपर देखेंगे तो पैपी हेडलैम्प मिलता है जो कि पूरा हेलोजन सेटअप है, कुछ भी LED नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़े हेडलैम्प थोड़े डिज़ाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा यहाँ पे एंड साइड में अगर हम बात करें तो काफ़ी सही लग रही है। अब हेडलैम्प तो खैर देखो आगे तो सामने से देखो तो काफ़ी मस्त लगता है, साइड से भी काफ़ी मस्त लग रहा है, थोड़ा खींच दिया है उनको। अपना नॉर्मल इंडिकेटर जो ऑल्टो हमेशा देती है वो इंडिकेटर है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, सेम वही मतलब कॉस्ट कटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। स्टील रिम मिल जाते हैं, अलॉय व्हील कैप लगाया हुआ है और गाड़ी के अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 13 इंच के टायर मिलते हैं, 13 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर अपने ओपन करके दिखा देता हूँ अंदर से कंडीशन, अंदर से कंडीशन बोल रहा हूँ, अंदर से इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है गाड़ी, काफ़ी ठीक है। यहाँ से मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ, इंजन का क्या स्पेसिफिकेशन है तो इंजन में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 लीटर K सीरीज डुअल जेट इंजन मिलता है, डुअल BVT इंजन मिल जाता है। इसके अंदर आपको 66.62 PS पावर जनरेट करता है, 89 Nm ऑफ टॉर्क ये जनरेट करता है जो कि काफ़ी अच्छी पावर है। और 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो काफ़ी ठीक है, 1 लीटर के हिसाब से तो काफ़ी ठीक है, 1000 CC का इंजन आता है। यहाँ पर आपको वॉशर मिल जाता है, एक ही मिलता है, बाकी तो नॉर्मल फ्लूइड फेंकने के लिए। एंटीना बड़ा सा आपको यहाँ सामने मिल जाता है रेडियो वगैरह बजाने के लिए। ऊपर भी रूफ में भी थोड़ी बहुत ऐसी डिज़ाइन दे रखी है नॉर्मल सी, छोटा सा स्पॉइलर क्यूट सा दे रखा है, मतलब कि ओवरऑल बात करें तो क्यूट सी गाड़ी है, तो उस हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, ABS विद EBD मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ मिलते हैं। एंड अगर बात करें सेफ्टी की तो यहाँ पर 15+ सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग डुअल एयरबैग के साथ में, ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है लेकिन अपने पास मैनुअल ड्राइव में अवेलेबल है, ठीक है। रियर टेल लाइट की बात करें तो कॉम्बिनेशन में आपको एक पूरा इंडिकेटर और सबका एक कॉम्बिनेशन रियर टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। एंड साइड में भी अगर हम बात करें, साइड लुक भी काफ़ी ठीक है, ट्रेंडी सा है, नॉर्मल सा, आपको ऐसा नहीं लगेगा पहले वाली ऑल्टो काफ़ी छोटी लग रही थी, ये थोड़ा बड़ी कर दी गई है, बड़ा सा देखने को मिल जाता है। एंड ट्रे मिल जाती है जो कि 4 to 5 kg तक का वेट ले लेगी आराम से। इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर भी काफ़ी ठीक ठाक सा है, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, सामान वगैरह रख सकते हो, मतलब कि एक 2 लोग हैं फैमिली में तो 2 लोग के लिए तो परफेक्ट गाड़ी है। अगर फैमिली अगर 4-5 की भी है तो भी चले, तो लेकिन थोड़ा 4-5 में थोड़ा घिचपिच हो जाएगा क्योंकि थोड़ी छोटी गाड़ी है इसकी वजह से। बाकी ऑल्टो का तो नाम ही रहा है फैमिली कार के लिए, तो 5 लोग तो आराम से बैठ ही जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सेफ्टी में आपको रियर चाइल्ड लॉक वगैरह मिल जाते हैं, रियर डोर में चाइल्ड लॉक वगैरह, इंजन इमोबिलाइजर वगैरह मिलता है एंड हाई स्पीड अलर्ट वगैरह, सीट बेल्ट अलर्ट, ये सब चीज़ें आपको जो नॉर्मल मिलती हैं वो मिलते थे। डुअल फ्रंट एयरबैग मिलते हैं, साइड में लेफ्ट राइट में कुछ नहीं मिलता है। अब वो नितिन गडकरी जी वाला सिस्टम पता नहीं कब लागू होने वाला है, तो उसके हिसाब से फिर ऑल्टो में भी 6 एयरबैग आने लगेंगे। सेवनटीन पॉइंट सेवेंटी एट सेंटीमीटर का आपको इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिल जाता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सपॉट वगैरह मिल जाता है एंड USB पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, एंड्रॉयड ऑटो एंड कार एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं। 6 स्पीकर मिलते हैं, 6 स्पीकर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है, वही 6 स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। फ्यूल कंजम्पशन की एवरेज और ये सब नॉर्मल फ्यूल कंजम्पशन जैसा रहेगा, मतलब 2020 तक का तो माइलेज ये निकाल ही देगी, मे बी इससे ज़्यादा निकाल देगी, ठीक है, वो तो अब रोड पे होगा उसी हिसाब से कर पाएंगे किस तरीके से है। 5 गियर ट्रांसमिशन मिलते हैं, ठीक है, 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन मिलते हैं और
फ्यूल टैंक की बात करें, 27 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। टायर साइज फिर से बता देता हूँ, 145/80 R13 इंच के टायर रियल आपको मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको सनवाइजर वगैरह मिल जाते हैं, लाइट्स मिल जाती हैं। सनवाइजर आप मतलब इसमें कोई भी मिरर्स नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी काफ़ी टच करोगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारी सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जो भी चीज़ें करनी है आप। 4.5 मीटर का आपको टर्निंग रेडियस मिलता है, भी ठीक ठाक है। व्हील बेस की बात करें, 2380 mm का व्हील बेस आपको मिलता है। ओवरऑल हाइट पर 1.5 मीटर की आपको हाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको सारे AC कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं और सब चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, हजार्ड लाइट वगैरह, फ़ैन वगैरह। तो मतलब कि अच्छा बनाया गया है, एक थोड़ा मेंटेनेंस मतलब कि अगर क्वालिटी की बात करें तो अच्छा खासा बनाया गया है, ऐसा कहीं से मतलब कि छूटा नहीं है कुछ। बाकी तो नॉर्मल सी लगती है गाड़ी पूरी अंदर से, एकदम स्मॉल सी क्यूट सी लगती है। स्पीडोमीटर ऑडोमीटर यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल अलग तरीके से बनाया गया, फुल्ली डिजिटल है लेकिन थोड़ा पार्टीशन कर दिया गया। यहाँ पर वही वही चीज़ें, बॉटल होल्डर वगैरह का स्पेस भी काफ़ी ठीक ठाक है गाड़ी के अंदर, तो उसका भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड गाड़ी बंद कर देते हैं अभी, एंड अभी आगे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल लुक जो है ना गाड़ी का, बहुत ही क्लासी लग रहा है, रेड कलर में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अगर होपफुली भाई रवि रत्ना मोटर्स हम लोग गाड़ी मिल जाए तो एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास है बड़ौदा में तो बताना। बाकी इस वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।